खुशी से बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए और ये डेमोक्रेसी की कामयाबी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट में रात भर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की गई। हालांकि इसके बावजूद पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। लोगों ने फायरिंग की परवाह नहीं की और लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिन इलाकों में फायरिंग हुई उन इलाकों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया था। आपको बता दें कि आज DDC चुनाव का छठा चरण था। इसी बीच देर रात को पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस इलाके में एक सीट पर मतदान होना था। पाकिस्तान की तरफ से जोरदार तरीके से फायरिंग की गई, जिसकी चपेट में 11 बूथ आए। पोलिंग स्टाफ तो सुरक्षित रहा, लेकिन प्रशासन की तरफ से रात को ही प्लान बनाया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सुबह भी फायरिंग जारी रखी गई तो बूथ को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि सुबह रोशनी लगने के बाद पाक की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। इसके बाद इन पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू हुआ। लोग सुबह से ही फायरिंग की परवाह किए बिना अपने पोलिंग बूथ पर आ रहे थे। यानी कि यहाँ के मतदाता ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया कि चाहे वो जो भी हरकत कर ले, अब लोकतंत्र में लोग भागीदार जरूर बनेंगे। हालांकि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, ताकि अगर पाकिस्तान फिर से फायरिंग शुरू करता तो लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। मतदाताओं के उत्साह का आलम तो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये शख्स अपाहिज है, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहता है। कितनी खुशी इसके चेहरे पर है। वोट त्राणी। नाव क्या छ? फिरदौस गनी मलिक। फिरदौस गनी मलिक, तुझ तकलीफ थे आज? तथ बावजूद ओत वोट त्राणी, वजह? वजह ये सी कत वा बोजन अत तन बूझ ना जान ईद वोट त्रित तो उम्मीद कि बोज मा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि आज तक आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। हाँ। अब आपको उम्मीद ये है कि अब आप नए नुमाइंदों को आगे लाना चाहते हैं। हाँ। वो आपकी बात सुनेंगे। जी हाँ। बुजुर्ग हो या जवान, हर कोई अपने घर से निकलकर मतदान का प्रयोग कर रहा है। हालांकि जो भी हो जाए, जम्मू कश्मीर की जनता अब खौफ में आने वाली नहीं। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या हो विरोधी, वो हर एक को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छे से जानते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आप अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।